मधुबनी जिले के सकरी चौक से दूसरे दिन जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलाम्बर झा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सकरी चौक से पंडोल स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूर्ति तक भारत जोड़ो अभियान के तहत आजादी गौरव पद यात्रा की। पंडोल में सभा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलाम्बर झा ने कहा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिले के चार जगहों से आज फिर पदयात्रा प्रारंभ की गई है। यह तिरंगा पदयात्रा लगातार 14 अगस्त तक चलती रहेगी और आमजनों को पदयात्रा का उद्देश्य की जानकारी दी जाती रहेगी। आजादी आंदोलन के शहीदों के स्मरण में यह पदयात्रा देश के लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से की जा रही है। आज देश की हालत बहुत खराब स्थिति से गुजर रही है। आपसी भाईचारे को तार तार किया जा रहा है, एक दूसरे को लड़ाने का षड्यंत्र हो रहा है। आज एकता और अखंडता पर खतरा मंडरा रहा है, विदेशी ताकत सिर उठा रही है, चीन सीना जोरी कर रहा है, देश के हुक्मरान मौन धारण कर लिए हैं, देश में लोकतंत्र पर खतरा उत्पन्न है, सभी संवैधानिक संस्थाओं को गिरफ्त में लिया जा रहा है। आज देश को फिर से सामाजिक सौहार्द की आवश्यकता है। जिन सभी बातों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य के साथ कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में एक साथ ये यात्रा कार्यक्रम कर रही है। कार्यक्रम में विजय कुमार राउत, NSUI के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राशिद फाकरी, अमानुल्लाह खान, विशाल रंजन आदि उपस्थित थे।